हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फेशियल। ये फेशियल बिल्कुल आपको निखार देगा, जैसे आप फेशियल पार्लर से करा के आते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई पार्लर वगैरह नहीं खुले हुए हैं, तो हम घर में ही फेशियल बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बिल्कुल जो पार्लर में फेशियल के स्टेप होते हैं चार, उसी के तरीके मैं घर पर करूँगी। और इसका जो निखार आएगा फ्रेंड, आप देख सकेंगे वीडियो में भी। और जिसके स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं या स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, तो ये फेशियल जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और बिल्कुल इनएक्सपेंसिव फेशियल है, और पार्लर जैसा ही निखार आप घर में पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। और इस फेशियल को आप पोटैटो फेशियल भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैं चार स्टेप में आलू जो कॉमन चीज़ है वो यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने आलू इसलिए लिया बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं लाने की ज़रूरत है आपको। आलू एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो हर घर में मिलेगी, और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है। और इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आलू को कद्दूकस करने के बाद मैंने जूस निकाल लिया, आप देख सकते हैं किस तरह से। और आलू जो जूस निकालने के बाद बचा है उसको फेंकना नहीं, हमें यूज़ करना है लास्ट स्टेप में, वो मैं दिखाऊँगी किस तरह। तो पहला स्टेप होता है फ्रेंड फेशियल का, वो होता है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए मैं बना रही हूँ क्लिंजर। इसके लिए एक चम्मच आलू का जूस मैंने ले लिया है और इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच के करीब रोज़ वाटर। ये हमारा नेचुरल क्लिंजर रेडी है। और इसको कॉटन की जो कॉटन होती है या पैड होते हैं उसको यूज़ करिए, कॉटन पैड को, और अच्छे से फेस को क्लीन करिए। इस स्टेप में क्या होता है, जो भी हमारे स्किन में इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगी होती है, डर्ट होती है, सब अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ पर मैंने पूरा अपने फेस को क्लीन कर लिया है। नाउ अब फेशियल का जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें स्क्रब यूज़ किया जाता है। तो स्क्रब भी हम पूरा किचन के आइटम से बनाएंगे। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ चावल का आटा है, इसको चावल को पीस लिया है, 2 चम्मच के करीब चावल का आटा ले लिया मैंने। और यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून आलू का जूस जो पहले निकाल लिया था मैंने, थोड़ा सा लेमन डाल दिया है और थोड़ा सा हनी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और हमारा रेडी है स्क्रब। और इस स्क्रब को हमें एटलीस्ट 3 मिनट तक रब करना है अपने फेस में सर्कुलर मोशन में। और इस जो स्टेप होता है स्क्रब का फ्रेंड, इस स्टेप में जो भी हमारे फेस की इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाती है, डेड स्किन होती है, डेड सेल्स होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, पोर्स होते हैं वो हमारे क्लीन हो जाते हैं। तो अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपको करना है रब, और नोज़ के पास, लिप्स के पास अच्छे से सर्कुलर मोशन में रब करते हुए अपने फेस में इस तरह से मसाज करनी है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम लोगों को करना होता है फेस मसाज। तो मसाज क्रीम भी हम लोग घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए भी आलू जूस लेना है बिकॉज़ ये आलू का फेशियल है। तो 1 चम्मच मैंने आलू का जूस ले लिया है और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जो नेचुरल लीफ होती हैं पत्तियों से निकाल के जेल यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई का 1 कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल भी नहीं है तो आप यहाँ पर बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 ड्रॉप। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा परफेक्ट मसाज क्रीम रेडी है। और ये जो आलू होता है फ्रेंड, जिनके झाइयों का प्रॉब्लम होता है, रिंकल्स आने लगते हैं, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। अच्छे से इस तरह से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो हमारे फेस के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको भी इस तरह से आप प्रेस करते जाइए ताकि जो फेशियल का बेनिफिट है वो हमें मिल सके। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से फेशियल कर रही हूँ, और मसाज करते ही करते आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है। और इसको मैंने 5 मिनट तक इस तरह से मसाज करी है। जितनी भी मैंने क्रीम बनाई थी वो पूरा अपने स्किन में ऑब्जॉर्ब होने दिया है। और अगर आपकी ऑब्जॉर्ब नहीं होती है तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रह जाए उसको रिमूव कर सकते हैं वेट वाइप से। बट मैंने यहाँ पर नहीं धुला है, सिर्फ इसी के ऊपर ही मैं लास्ट जो होता है फेस पैक अप्लाई करना होता है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। नाउ ये जो देख सकते हैं आलू का गूदा बचा हुआ था उसको अच्छे से पीस लेना है, और आलू का थोड़ा सा जूस भी बचा हुआ है उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच बेसन। और ये जो आलू है उसको पीस लिया है मैंने, तो 2 चम्मच यहाँ आलू यूज़ कर लिए हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये एलोवेरा जेल,
एलोवेरा जेल को डाल के अच्छे से हमारा ये जो पैक है वो रेडी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप इसको अप्लाई कर लीजिए 10 to 15 मिनट। और उसके बाद जब ये सूख जाएगा ये कुछ इस तरह से लगेगा, और नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। और जब हमारा फेस आप देख सकते हैं अच्छे से फेशियल करते हैं कुछ करते हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फेशियल है, इसका जो ग्लो है 1-2 दिन बाद और अच्छे से आएगा। तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही पार्लर जैसा बिल्कुल अच्छे से फेशियल कर सकते हैं। अगर ये फेशियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और घर पे रहें, सेफ रहें, मिलती हूँ नए वीडियो में।